तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अनबॉक्सिंग और थोड़ा थोड़ा रिव्यू करते हैं एशियन के 12 जूतों की। और इस 12 जूतों में आप देखेंगे कुछ लेटेस्ट आर्टिकल हैं जिनकी लॉन्चिंग फिलहाल 15 से 20 दिन पहले हुई है, और कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जो 2 से 3 महीने पुराने भी हैं, लेकिन वो आर्टिकल बहुत ज्यादा हिट हैं जिसके वजह से वो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहले लेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे और हिट आर्टिकल तक बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो आर्टिकल है वो है सुपरस्टार 01। 2549 रुपए इसकी एमआरपी है, और कोई भी जूता है अगर मैं उसकी एमआरपी बता रहा हूं तो जस्ट 40% से लेकर 50% तक ऑफ करके वो आपको चाहे रिटेल मार्केट में हो चाहे ऑनलाइन इजिली अवेलेबल होता है। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये आपको कितने तक में मिलेगा। फुल ब्लैक कलर का है, 2 से 3 और कलर इसमें अवेलेबल होते हैं। डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दिया रहेगा जहां पे आप इसके अदर्स कलर भी देख सकते हैं। तो लुक वाइज बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये। इसके सोल के बात करते हैं, सोल इसमें ट्यूब वाला सोल बनाया गया है, साथ में देखिए यहाँ पे होल दिया गया है जैसे आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं। बीच में इसके ईवा का यूज किया गया है, मेमोरी फोम का इंसोल लगाया गया है, अपर इसमें ब्रीदेबल का यूज किया गया है जो कि स्ट्रक्चर लुक में बनाया गया है। साथ में रिबन और रिबन के अगल बगल जो लगाए जाते हैं रैक्सिन वो प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। ओवरऑल एक अच्छा जूता आपको 1400 से 1500 में एशियन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है रोवर 01, व्हाइट ब्लैक फिरोजी कलर का है, 2399 यानी 2400 इसकी एमआरपी है। देखिए सब में आपको कैरी बैग मिल जाता है, तो सब में दिखाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल पे हम लोग फोकस करते हैं। ये देखिए आर्टिकल लुक वाइज व्हाइट कलर का है, फिरोजी कलर इसके साथ में अटैच है। इसकी क्वालिटी जैसे पिछले जूते की क्वालिटी थी वो फुल ट्यूब पे था, लेकिन ये फाइलोन सोल पे बनाया गया, लेकिन फुल्ली फाइलोन सोल नहीं है। लाइट वेट करने के चक्कर में इसमें फाइलोन का जो टीपीआर का यूज है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन लुक वाइज ये अच्छा जूता दिख रहा है आपको। इसमें मेमोरी फोम का इंसोल यूज किया गया है, अपर जो मेस लगाया गया है काफी सॉफ्ट है, ब्रीदेबल मेस ये होगा। रिबन इसी तरह रिबन आपको लगभग लगभग सभी जूतों में देखने को मिलेगा। फोमिंग इसमें बहुत ही कम यूज किया गया है, फोमिंग के मामले में ये कम दिख रहा है। तो साथ में सोल मिड सोल में देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह का यूज किया गया है। तो ओवरऑल 1200-1400 में ये भी जूता एक अच्छा जूता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है अल्ट्रॉन 03 और अल्ट्रॉन 02। ये अल्ट्रॉन सीरीज के ही दोनों जूते हैं, एक ही पायदान पे आएंगे। तो लेटेस्ट इसमें अल्ट्रॉन 023 है। ये देखिए लुक आप देखिए सबसे पहले जूते का, फुल ब्लैक कलर पे है, सोल इसका फाइलोन सोल पे बनाया गया है। पीछे साइड में आपको ट्यूब देखने को मिल जाएगा जैसे एयर कैप्सूल वगैरह होता है, और इनका ये मेगा ट्यूब टेक्नोलॉजी पे जूते बनाए गए हैं। इसमें इंसोल मेमोरी फोम का इंसोल लगाया गया है। अपर की जो डिजाइनिंग है वो थोड़ा जैसे बाकी हो के जूते की डिजाइनिंग थी वो एक स्ट्रक्चर पैटर्न पे था, थोड़ा लुक दे रहा था, लेकिन ये बिल्कुल एक वर्टिकल स्टाइल में फिर यहाँ हॉरिजेंटल स्टाइल में काटा गया है, तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन लुक वाइज ओवरऑल देखा जाए तो दूर से इतना नहीं पता चलेगा। और जिसकी एमआरपी है अल्ट्रॉन की 2699 रुपए, मतलब वही 1200 से 1400 के बीच में ये भी जूता आपको मिल जाएगा। इसी का एक और जूता इससे पहले आता था अल्ट्रॉन 02, ये देखिए। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए अल्ट्रॉन 03 और 2 में, ये देखिए, तो अल्ट्रॉन 02 जो था वो ज्यादा बेटर जूता दिख रहा है। इसकी जो वेट भी है वो थोड़ा ज्यादा है, इसके सोल की भी क्वालिटी आप देखिए, तो इसकी क्वालिटी थोड़ा डाउन है, ये क्वालिटी थोड़ा ज्यादा है, मतलब इन इसके सीरीज में अल्ट्रॉन 02 ज्यादा बेटर शूज है। अब बढ़ते हम लोग अगले आर्टिकल पे, यूनिवर्स 01, 2849 एमआरपी है। इसका आप लुक देखिए, लुक वाइज ये जूता बहुत ही प्यारा दिख रहा है। लुक वाइज चाहे वो क्वालिटी की बात हो, क्वालिटी भी अच्छा दिख रहा है। इसके जो मिड सोल है इसमें क्वालिटी दिया गया है, जैसे आजकल कैंपस में हो गया नाइट्रो बूस्ट टेक्नोलॉजी, हाइपर फ्यूज टेक्नोलॉजी आपके एब्रॉस में हो गए, उसी टाइप का इसका कुछ टेक्नोलॉजी है जो देखिए यहाँ पे मिड सोल पे वर्क कर रहे हैं, जो कि काफी लाइट वेटेड बनाने की कोशिश किया जा रहा है, और कंफर्ट पे ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये रनिंग के लिए बेस्ट जूता रहेगा क्योंकि इसमें आपका मेमोरी फोम इंसोल है, साथ में जो मेस लगाया गया है ये भी काफी नीटेड मेस है, मतलब कि जैसे नायलॉन वगैरह होते हैं उस टाइप से है, तो ब्रीदेबल बहुत अच्छा मिलेगा। फोमिंग वगैरह काफी अच्छी दी गई है, मतलब कि ग्रिपिंग तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो ब्रीदेबल रहेगा एयर का वेंटिलेशन वो भी काफी अच्छा इसमें मिलेगा। तो ये था यूनिवर्स 01 2849 एमआरपी का। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे, ट्विन स्प्रिंग 02 2849 एमआरपी। ये देखिए इसका डिटेल लुक देखिए, ब्लैक ऑरेंज व्हाइट के थीम पे दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन लुक है। लुक वाइज इस जूते को कोई भी नहीं काट सकता है, मतलब 1400 से लेके 1500-1600 के बीच में इसके कोई भी आर्टिकल हो सारे बिक जाते हैं, उस हिसाब से इनके जूते
बहुत ही प्यारे जूते होते हैं, बहुत ही अच्छे जूते होते हैं, वो चाहे सोल के मामले में हो, चाहे अपर या डिजाइन के मामले में हो। डिजाइन तो एक बार क्वालिटी थोड़ी डाउन भी हो सकती है, लेकिन डिजाइन के मामले में तो कोई बीट नहीं कर सकता इनको। ये देखिए, इसमें फाइलोन सोल का यूज किया गया है, रनिंग के लिए बेस्ट जूता रहेगा। अपर भी काफी अच्छा बनाया गया है, ब्रीदेबल रहेगा, और इसमें फोम वगैरह भी काफी अच्छे क्वालिटी का यूज किया गया है। मेमोरी फोम वाला इंसोल यूज किया गया है। वेट के मामले में जितने भी जूते थे लगभग सब 300 ग्राम के आसपास हैं, थोड़ा 25-50 ग्राम ऊपर नीचे। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पूरा सीरीज है एयर व्यू। एयर व्यू में आपको 1 से लेके 6 तक जूते आते हैं, जिसका अनबॉक्सिंग हम लोग ने पहले ही किया है, वो आप जाके हम लोग के चैनल पे देख सकते हैं। तो मैंने एयर व्यू 01 लाया हूं, ये देखिए इसका लुक आप देखिए, और दूसरा है एयर व्यू 06, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि पूरा डिफरेंट है बिल्कुल। ये आपका एयर व्यू 01 जो है आपके फुल ट्यूब सोल पे है, एयर व्यू 06 जो है ये वाला आर्टिकल आपका फाइलोन सोल पे है। तो सीरीज कैसे हुआ? सीरीज इसलिए हुआ क्योंकि जो इसका अपर है, एयर व्यू एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि इनके अपर को बनाया जाता है, वो चाहे इस जूते में हो चाहे इस वाले जूते में हो। इसमें क्या किया जाता है, जो इनका अपर होता है उसमें लाखों थ्रेड्स का यूज करके अपर को डेवलप किया जाता है। और एशियन ये भी क्लेम करता है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में सिर्फ इनके पास है, किसी और ब्रांड्स के पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए दोनों के अपर आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन इनका जो सोल है वो डिफरेंट है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात है, आज के डेट में एशियन के जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं रनिंग के पर्पज से, ये जूता बहुत ही अच्छा है। इसकी ग्रिपिंग भी बहुत सॉलिड है, फाइलोन ग्रिप पे बनाया गया है। इसका मिड सोल है, इसमें भी आपको काफी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। अपर तो जो एयर व्यू टेक्नोलॉजी होता है उसकी खास बात यही होती है कि इसका ब्रीदेबल और कंफर्ट बहुत ही अच्छा दिया जाता है। तो ये है इनका एयर व्यू सीरीज। अगला आर्टिकल है हाइपर कुशन 01, 2699 एमआरपी है, 1300-1400 रुपए में ये जूते आपको मिल जाएंगे। आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रहा है सभी जूतों में एक कॉम्पिटिशन से आ गया है कि कितना कंफर्ट हम मिड सोल को बना सकते हैं, वो चाहे नाइट्रो बूस्ट टेक्नोलॉजी हो बाय कैंपस, हाइपर फ्यूज टेक्नोलॉजी बाय एब्रॉस, या फिर ग्रेविटी टेक्नोलॉजी बाय एशियन, लगभग सब एक ही काम कर रहे हैं। ये देखिए इसका मिड सोल ही इस जूते की मतलब पूरी कहानी को बयां करता है। बाकी जूते आप लुक वाइज देखिए, लुक वाइज काफी अच्छा दिख रहा होगा आपको। ओवरऑल ये मैंने इसका पूरा रिव्यू भी किया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल जूता देखा जाए तो एक एवरेज जूता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी करके इस जूते को बनाया गया है काफी अच्छा है, काफी अच्छा, मतलब कंफर्ट वाइज आप इस जूते को ले सकते हैं। 1200 से लेकर 1300-1400 के बीच में ये जूता आपको मिल जाएगा। अगला आर्टिकल है अल्ट्रा कोर 01, 2849 रुपए, सेम वही 1200-1400 में ये भी अवेलेबल हो जाएगा। लुक वाइज ये देखिए, लुक वाइज बहुत ही प्यारा जूता है। अगर इसका कंपैरिजन करूं तो कैंपस के सर्कल आर्टिकल से कर सकते हैं, वो आपके 2000 रुपए के जूते हैं, लेकिन ये आर्टिकल आपको 1400 से 1500 में मिल जाएगा। फाइलोन सोल पे जूता है, कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मेमोरी फोम वाला इंसोल का यूज किया गया है, ये देखिए काफी अच्छे से यहाँ पे ये दब रहा है, मतलब कंफर्ट वाइज ये जूता बहुत ही अच्छा दिया गया है। जो भी मैं जूते अभी तक आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें जो क्वालिटी अच्छी है उसको पहले दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इसको ऊपर के पायदान पे होना चाहिए, लेकिन जो जिस हिसाब से आया है मार्केट में मैं उस हिसाब से दिखा रहा हूँ, मतलब लेटेस्ट जो सबसे ज्यादा है वो पहले है, उसके बाद से जो पुराने होते चले जा रहे हैं उस टाइप से ये आर्टिकल को यहाँ पे प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखेंगे सुपर पावर 02, 3 भी आता है 1 भी आता है। लुक वाइज देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन जैसे पिछला जूता था वैसे ही है, लेकिन इसके सोल में काफी डिफरेंस है। सोल जो दिया गया है ये देखिए, पीछे इसमें एयर बाउंस करके टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे देखिए पूरा एयर कैप्सूल यूज किया गया है। नीचे से एक लेयर बनाया गया है फाइबर का जो कि यहाँ पे पेस्ट किया गया है, उसकी पेस्टिंग ऐसे आके ऐसे दिया गया है ये देखिए। और आगे के हिस्से में देखेंगे ईवा या फाइलोन का यूज किया गया है। मेमोरी फोम इंसोल यूज किया गया है। अपर का भी जो मेस है वो भी कॉटन वाला यूज किया गया है, और लाइट वेटेड जूता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1400-1500 में ये भी एक अच्छा जूता है। आर्टिकल है सॉकर 01, 2399, ये आपके 1000 रुपए के आसपास आ जाएंगे। बहुत ही खास जूता नहीं है, एक एवरेज या कह सकते हैं बिलो एवरेज ये जूता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका एवरेस्ट, ये देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपको 600 से लेके 700 में आपको आसानी से रिटेल पे, मैं कहता हूं कि इस जूते को अगर लेना हो तो रिटेल पे जाइएगा, वहां आपको ज्यादा सस्ते में मिल जाएगा, ऑनलाइन ये थोड़ा महंगा है। एवरेस्ट नाम से ही है कि ये पहाड़ों पे चढ़ाई वगैरह करना हो तो उसके हिसाब से है, क्योंकि इसके जो सोल की कटिंग है काफी
जैसे ने मोटे मोटे होते हैं वुडलैंड टाइप का, उस टाइप से इसके सोल को बनाया गया है। तो उस हिसाब से ये जूते को डेवलप किया गया है, 600 में एक अच्छा आर्टिकल आपको मिल रहा है। तो दोस्तों सारे जूते आपके सामने अनबॉक्स हो चुके हैं और ये रहा एशियन के 12 लेटेस्ट और सबसे हिट आर्टिकल। इसमें से 12 में से 12 मैं जूता नहीं कहता कि सभी अच्छे होंगे, लेकिन 7 से 8 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपने प्राइसिंग को बहुत अच्छे से वो जो भी प्राइसिंग है बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ क्वालिटी में कोई तोड़ नहीं है। जैसे कि ये देखिए ये वाला आर्टिकल लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एयर व्यू रनिंग के लिए मैं जूते को रिकमेंड करता हूँ, फुल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखिए, ये भी मेगा ट्यूब टेक्नोलॉजी पिंक का जूता है, क्वालिटी वाइज लुक वाइज दोनों अच्छा है। एक ये जूता देखिए, ये भी जूता बहुत ही प्यारा है, कैंपस का लेटेस्ट आर्टिकल है सर्कल, उस बिल्कुल ऐसे जैसा बनाया गया है, लेकिन वो 2000 में है, ये आपके 1200-1300 में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपने क्वालिटी और प्राइसिंग के हिसाब से एशियन बहुत ही बेस्ट जूते बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं ये 12 जूते एशियन के आपको पसंद आए होंगे, साथ ही साथ मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।